हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो इट्स ट्यूसडे एंड इट्स आवर सोशल स्टडीज लेक्चर टर्न। आवर सेप्टेम्बर टेस्ट इज ओवर एंड नाउ इट्स टाइम टू बिगिन विद स्टडी। जैसा कि आपको पता है हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 से। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 4 and please keep on revising that all chapters। ऐसा नहीं है कि ये chapters first, second, third अभी test में आ गए तो अब आगे नहीं पूछे जा सकते। आपके next month के test में हो सकता है वापस से first, second, third chapter revise हो जाए with new chapters। so keep on revising, okay? so let us start। so the name of our chapter number 4 is coastal region and islands of India। कोस्टल रीजन का मतलब समुद्र के पास का वो जो पार्ट आता है उसको कहते हैं, जो समुद्र के पास की जो जमीन का पार्ट है उसे हम कहते हैं कोस्टल रीजन। ठीक है, देखो ये देखो आपको फोटो में, ये जो बैकग्राउंड में फोटो है ना, देखो यहाँ समुद्र है, उसके पास ये जमीन है, तो ये क्या है, ये कोस्टल रीजन है। फिर आप बोलोगे सर आइलैंड क्या होता है? देखो आइलैंड ये होता है, ये देखो चारों तरफ से पानी है और बीच में जमीन का टुकड़ा है, तो ये होता है आइलैंड। ठीक है, और ये होता है आपका कोस्टल रीजन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स, इस चैप्टर में हम सबसे फर्स्ट चीज ये पढ़ेंगे कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और उनके डिविजन्स के बारे में देखेंगे। सेकेंड, आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स की यहाँ लाइफ कैसी होती है और आइलैंड के तरफ की लाइफ के बारे में देखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कोस्टल प्लेन्स और क्यों ज़रूरी है आइलैंड्स, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर। ये चैप्टर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है आने वाली क्लासेस में सब जगह। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिवीजन। इंडिया हैज 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, 7517 किलोमीटर्स। अब कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है एरिया वेयर लैंड मीट सी, एक ऐसी जगह जहां पर समुद्र और जमीन मिलते हैं। ओके, आपको मैं अच्छे से यहां बताता हूं। देखो ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में पूरा यहां से लेकर ये आपको ब्राउन दिख रहा है ना, ये पूरा ब्राउन पार्ट, ये पूरा कोस्ट लाइन है कि ये समुद्र कहां मिल रहा है, जमीन से आके मिल रहा है। तो ये पूरा जो ब्राउन पार्ट है, ये पूरा ब्राउन पार्ट क्या है, आपका समुद्र तट है, कोस्ट लाइन है। ओके, सो अभी तक अपन ने पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, अपन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिया के हिमालय के बारे में, उसके बाद हमने कॉर्नर में देखा डेजर्ट के बारे में, उसके बाद हमने बीच में देखा प्लेन्स के बारे में। अब हम यहाँ कॉर्नर में जो समुद्र स्टार्ट हो जाता है ना इंडिया में, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है अगर अपन पूरा इंडिया का मैप देखें तो। जैसे ये पूरा इंडिया का मैप देखे तो देखो यहाँ से समुद्र स्टार्ट है, तीनों तरफ समुद्र है। ठीक है, तो ये जो समुद्र के पास की जो जमीन है, ये पूरी जमीन क्या है, कोस्ट लाइन है। ठीक है, इंडिया तीन तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जो समुद्र के पास की जमीन है उसको क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन है वो। ठीक है, और कितनी बड़ी है इंडिया की कोस्ट लाइन, 7517 किलोमीटर्स। ओके, अंडरस्टूड। तो इंडिया के पास है 7517 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन, विच इंक्लूड कोस्टल प्लेन्स ऑफ मेनलैंड एंड कोस्ट ऑफ टू आइलैंड ग्रुप्स। मींस ये जो मेनलैंड की कोस्टल, ये वाला जो पूरा है, और जो आइलैंड ग्रुप्स है इंडिया के अलग अलग, जैसे इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड आता है, तो ये भी कवर करता है ये 7517 किलोमीटर में। टू द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड टू द ईस्ट वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डेक्कन प्लेट्यू बट मीट एट कन्याकुमारी। ये
ईस्ट साइड का जो कोस्टल प्लेन है उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्ट साइड के कोस्टल प्लेन को क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सी ये है आपका वेस्टर्न और ये है ईस्टर्न। कौन सा वेस्टर्न है कौन सा ईस्टर्न है, अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, तो कहाँ वेस्टर्न है कहाँ ईस्टर्न है, चलो जल्दी बताओ। अरेबियन सी के साथ वेस्टर्न है और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न है। डायरेक्शन ऐसे याद रखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ ये वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वाला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया है, कोस्टल प्लेन को भी और फर्दर पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना बेटा, उसमें दो तरह के कोस्ट है, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्थन क्रिकर। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एकदम पतली स्ट्रिप, लैंड की एकदम पतली स्ट्रिप को कवर कर रहा है। देखो लैंड की एकदम पतली सी, ऐसा लगता है ना कि पतली सी पट्टी हो वैसे कवर करता है, ठीक है। अबाउट 65 किलोमीटर इन विड्थ, कितना किलोमीटर है ये विड्थ, अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो 65 किलोमीटर है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, अपन ने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स है। देखो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स के बारे में, आप लोग मैंने बताया था, देखो ये वेस्टर्न घाट्स है पूरा, ये जो बीच की आपको लाइन दिख रही है ये पूरी लाइन क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। तो ये लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। देखो ये इसमें भी लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और अरेबियन सी, और वैसे ही ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और यहाँ बे ऑफ बंगाल। आया समझ में? तो पहले घाट्स है, घाट्स के बाद आपका समुद्र तट वाला एरिया है, ठीक है, और फिर आपका समुद्र है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अंडरस्टूड? क्लियर? इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड एंड्स इन कन्याकुमारी इन द साउथ। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? गुजरात से स्टार्ट होता है, पासेस थ्रू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कवर करता है, उसके बाद कौन सा स्टेट कवर करता है, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, और आखिरी में आता है आपका कन्याकुमारी। ओके, एंड एंड्स इन कन्याकुमारी इन द साउथ। द विड्थ ऑफ द कोस्टल प्लेन डिक्रीजेस प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कह रहे हैं कि इसकी जो अपने चौड़ाई है, एक तो होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, तो नॉर्थ से साउथ पे आती आती इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। देखो ये ऊपर गुजरात कोस्ट कितना बड़ा है, फिर नीचे आते 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 ये पतली होती जा रही है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? थ्री पार्ट्स में। कौन से? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल। कोंकण कोस्ट को हम ना नॉर्थ में कह सकते हैं ना साउथ में कह सकते हैं, वो मिडल में है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र कवर कर रहा है ना, सो वो मिडल में है, ठीक है। एंड मालाबार कोस्ट इन द साउथ। अगर अपन इसको कॉपी में प्रॉपर्टी बाइफरगेट करके देखें तो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो कोस्टल प्लेन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? समुद्र के पास का जमीन का एरिया, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अपन वापस तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से तीन पार्ट है? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ओके, क्लियर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? आगे बढ़ते हैं अपन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर टू ए वाइड स्ट्रेच ऑफ द लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है और ये वाइड है, ठीक है। इट इंक्लूड डेल्टे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु कोस्ट। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज 120 किलोमीटर। देखो मैंने आपको बताया था ना ये एकदम पतला है, तो ये थोड़ा चौड़ा है,
जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये थोड़ा चौड़ा है। देखो ये आपको फोटो में साफ मालूम पड़ रहा है ये कितना पतला है, ये कितना चौड़ा है। ठीक है, तो देखो अपन ने यहाँ कितना पढ़ा कि ये कितना है 65 किलोमीटर है विड्थ में, कितना है 65 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये कितना किलोमीटर चौड़ा है, ये 120 किलोमीटर चौड़ा है। कितना किलोमीटर चौड़ा है, 120 किलोमीटर चौड़ा है। आया समझ में? अब ये कौन से स्टेट कवर करता है, वेस्ट बंगाल, ऊपर वेस्ट बंगाल कवर करता है, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु कवर करता है। ठीक है, इट हैज टू ब्रॉड डिविजन्स, वहां तीन डिविजन्स है, यहाँ दो डिविजन्स है, नॉर्थन क्रिकर वाइल्ड साउथर्न पार्ट इज कोरोमंडल कोस्ट। तो ये कौन से दो पार्ट कवर कर रहा है, एक है नॉर्थन क्रिकर और एक है कोरोमंडल कोस्ट। तो अगर अपन पूरे ऑन द होल देखा जाए तो कोस्टल प्लेन्स पांच पार्ट में डिवाइड है। वेस्टर्न पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, और ईस्टर्न पार्ट को नॉर्थन क्रिकर, कोरोमंडल कोस्ट। ओके, तो ये हमने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो ये हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में जान लिया कि जो समुद्र के पास वाला पार्ट है वो पूरा कितना है, कितने किलोमीटर है, 7,517 किलोमीटर का पार्ट है ये पूरा पार्ट। इसके साथ साथ ये इसको यू तो मेनली तो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तीन पार्ट में डिवाइड है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब इसके बारे में ना आपको डिटेल में नहीं बता रखा कि गुजरात कोस्ट क्या है, कोंकण कोस्ट क्या है, मालाबार कोस्ट क्या है, ये आप आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको खाली कोस्टल प्लेन्स को इन्होंने बाइफर्गेट करके बता दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइलैंड्स। क्या है वो टॉपिक, आइलैंड्स एंड आइलैंड। अब हाँ, आप में से ना कुछ बच्चे इसको आइसलैंड बोलते हैं, बेटा वो करेक्ट प्रोनंसिएशन नहीं है। क्या है करेक्ट प्रोनंसिएशन, आइलैंड। क्या है करेक्ट प्रोनंसिएशन, आइलैंड। एंड आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइलैंड क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो पानी से गिरा हुआ है। ये चीज हमने आइलैंड के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, लेकिन लास्ट ईयर हमने खाली यह पढ़ा था कि आइलैंड में टू पार्ट ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। और मैंने आपको क्लास में भी याद करवाया था कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ है और लक्षद्वीप कहाँ है। ठीक है, अभी मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगा, मुझे पता है आप भूल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप भूलते बहुत जल्दी है। सो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइलैंड क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। देर आर टू बिग आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में दो बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स है, दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। कौन से आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, अब हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ाया था आपको मैं याद दिला देता हूं। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो सी है। ठीक है, अरेबियन सी यहां आता है और इस साइड आता है वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट में। इसके लिए मैंने आपको याद करवाया था, पहले ए आता है फिर आता है बी। तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो पहले अरेबियन आएगा, फिर आएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये ऐसे आप कभी भी नहीं बोलेंगे, ए बी। ठीक है, अब यहां पर ना आगे एक चीज और याद करनी है, इंडिया के पास ना दो आइलैंड ग्रुप्स है, एक क्या है लक्षद्वीप है और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो अरेबियन सी में है, कौन सा है, लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, ए के साथ ए नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ए के साथ ए नहीं आएगा। मींस अगर ए के साथ ए आता, मींस
अरेबियन सी में ही फिर अंडमान एंड निकोबार होता, ठीक है? तो अरेबियन सी में अंडमान एंड निकोबार नहीं है, अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है। खाली ए की दिमाग में अपने फिट कर लो कि ए के साथ ए नहीं आएगा। तो अब अरेबियन सी में जब लक्षद्वीप है तो बे ऑफ बंगाल में क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार होगा। एक चीज अगर एक जगह है तो दूसरी चीज दूसरी जगह होगी, ठीक है? देखो दो चीज अपन ने सीखी, अपन ने लास्ट ईयर क्या सीखा था, अरेबियन सी कौन सा है और बे ऑफ बंगाल कौन सा है। तो पहले ए आता है फिर बी आता है, तो अरेबियन सी वेस्ट साइड का है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है, ठीक है? और अब हमें आइलैंड के लिए क्या याद रखना है कि ए के साथ ए नहीं आएगा। तो मींस अरेबियन सी में ए आ रहा है तो इसके साथ ए नहीं आ सकता, मींस अंडमान एंड निकोबार नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? लक्षद्वीप। अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार है। ओके, अब हम अगर आप इंडिया का मैप देखें तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, देखो अंडमान एंड निकोबार तो यहाँ हमें दिख रहा है और लक्षद्वीप यहाँ है। अब देखने में तो क्या लग रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो डॉट 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 बना रखे सर, और ये तो एक कैसा है कि बस छोटा सा कुछ एक ड्रॉइंग कर दियो, पर ये मैप में ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब यूं तो अपने मैप में देखो, अपना एमपी भी कितना जरा सा दिख रहा है, आधा एमपी, कि मैंने हाथ रख दिया, देखो ये मैंने एमपी पे हाथ रख दिया, तो मैंने हाथ रख दिया तो क्या मैंने एमपी पे हाथ रख दिया क्या पूरा? सो वो तो मैप में हर चीज़ बहुत छोटी नजर आती है, क्योंकि हमें बताना है, मैप में खाली बताया जाता है कि ये चीज़ यहाँ कवर है, वो चीज़ मैप में जितनी छोटी दिखती है उतनी छोटी होती नहीं है। तो एक्चुअल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत बड़ा है और लक्षद्वीप भी बहुत बड़ा है। और देखो ये जो लक्षद्वीप आपको यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली खाली लक्षद्वीप बताया है, तो देखो ये ऐसे टुकड़े हैं जमीन के, ये ठीक है, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड है, मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप है और लक्षद्वीप भी आइलैंड का एक ग्रुप है। अभी तक आपके दिमाग में क्या बात होगी, एक आइलैंड होगा अंडमान एंड निकोबार और एक आइलैंड होगा लक्षद्वीप। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप में भी बहुत सारे आइलैंड है। अब अपन देखते हैं कौन से में कितने क्या आइलैंड्स है। लेट अस स्टार्ट। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 325 आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स है, अब दिखने में कितना छोटा लग रहा है पर इसमें कितने आइलैंड कवर है, 325 आइलैंड्स कवर है, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन आइलैंड ग्रुप्स, द अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ। और हमें क्या लगता है, अंडमान एंड निकोबार एक ही चीज है, अंडमान है और एक निकोबार है, मतलब अंडमान एंड निकोबार साथ में ही, अपन साड़ी से साथ में ही पढ़ता रहे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो क्या कह रहे हैं, ये जो नॉर्थ में है वो कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, और साउथ में जो है नीचे साइड वो क्या है, नॉर्थ में क्या है खाली अंडमान आइलैंड है, और साउथ में जो ग्रुप है वो क्या है, निकोबार आइलैंड का है। दिस आइलैंड आर द वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हाँ, हम यूनियन टेरिटरीज में पढ़ते ही है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है? हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं बोला अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, तो एंड से ही मालूम पड़ जाता है कि अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। तो अंडमान कहाँ है, नॉर्थ में, और निकोबार कहाँ है, साउथ में। ओके, दिस आइलैंड आर वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सम आइलैंड इन द ग्रुप आर ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजन, दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड ओनली सम आइलैंड आर इनहेबिटेड। इसमें से कुछ आइलैंड में कैसे है वॉल्केनिक ऑरिजन के, वॉल्केनिक ऑरिजन में मतलब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी, तो कुछ आइलैंड्स जो ये 325 आइलैंड है उसमें से कुछ आइलैंड में ज्वालामुखी, कभी भी ज्वालामुखी फट सकती है, मीन्स वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फट सकती है। तो इसमें से 325 में से कुछ ही आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर आप घूमने फिरने जाते हैं, मीन्स कहते हैं ना लोग के अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने गए हैं, तो पूरे 325 आइलैंड नहीं घूम सकते, कुछ आइलैंड तो पूरी तरह से बंद है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी फटती है, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटती है ना तो आग के गोले बाहर आते हैं, तो आग के गोले में तो कहीं कुछ भी चीज़ जल सकती है, किसी की सामान जल, मतलब अगर वहाँ कोई घर बनाए तो घर जल सकता है, कुछ भी जल सकता है, तो वहाँ पर वो आइलैंड पूरी तरह से बैंड है, पूरी तरह से बंद है। और कुछ आइलैंड में क्या है, पूरे फॉरेस्ट है, कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ओके, एंड ओनली सम आइलैंड्स आर हैबिटेड, तो इसीलिए कुछ ही आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है? ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा,
लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में आप खाली इतना जान लो अभी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 225 आइलैंड्स है, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स में कितने आइलैंड है, 36 आइलैंड है, ठीक है, 36 अलग अलग। अब अंडमान एंड निकोबार देखो पूरा एक साथ है, तो ये एक साथ में ही बहुत सारे आइलैंड्स कवर, जैसे ऊपर तो पूरा नॉर्थ वाला जो पार्ट है अंडमान वाला पार्ट वो तो पूरा एक साथ ही जुड़ा हुआ है, पर जो निकोबार वाला पार्ट है वो थोड़ा अलग 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 है। अब लक्षद्वीप तो पूरा ही अलग 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 है, 36 आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लाइफ कैसी है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लाइफ कैसी है, और इम्पॉर्टेंट क्या है इन कोस्टल प्लेन्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।